मैंने जीवन में एक लक्ष्य बनाया, गोल या कोई भी एक सपना सजाया, और वो जो मेरा सपना है, मेरा लक्ष्य है, जो गोल है, वो खूब बड़ा लक्ष्य, अच्छा बड़ा सपना है। और वो सपना ऐसा है जिसके बारे में ज्यादातर लोग ये सोचते हैं कि मैं उसे पूरा नहीं कर सकता। तो मैंने ना इस डर से कि लोग समझेंगे नहीं, या लोग मेरी मजाक बनाएंगे, या लोग मेरे पे विश्वास नहीं करते, मैंने किसी को वो बताया भी नहीं। तो मैं अकेला उस काम में लगा पड़ा हूं, रोज दिन रात बिल्कुल ईमानदारी से, डिटर्मिनेशन डेडिकेशन पूरा लगा के वो काम कर रहा हूं। और मुझे ये भी पता है कि मेरे भविष्य के लिए ये काम बहुत जरूरी है। तो ऐसा नहीं है कि मेरे को क्लैरिटी नहीं है कि ये काम क्यों करना है, मुझे पूरी क्लैरिटी है, और इसी वजह से मैं डेली उस पे लगा भी पड़ा हूं, मेहनत पूरी कर रहा हूं, मैं जितना समय लगा सकता हूं उतना समय लगा रहा हूं, पूरा दिल लगा के बैठा हूं उस काम से। अब लेकिन किसी किसी दिन ना मन नहीं करता, मुझे सब पता है कि मुझे क्यों करना है, मैंने अपना शेड्यूल अपना प्लान सब बना रखा है, लेकिन किसी किसी दिन बस मन नहीं करता। और अच्छा, क्योंकि मैंने कोई सपना बनाया है, मेरा कोई गोल है, इसका मतलब ये तो नहीं है कि जीवन के बाकी जंजाल जो हैं, जो बाकी झंझट है लाइफ के, वो खत्म हो गए हैं। मेरे से जो मेरे परिवार की, मेरे समाज की, या मेरे जो प्रोफेशन की जो भी रिक्वायरमेंट्स हैं, मैं एक बेटा, एक पति, पत्नी, बहन, भाई, जो भी रोल प्ले कर रहा हूं, वो सब तो रोल ऐसे चल ही रहे हैं। जो मेरी डेली रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, जो मेरे से मेरा परिवार या समाज एक्सपेक्ट करता है, या जो मेरा एक जो नॉर्मल प्रोफेशन है वो एक्सपेक्ट करता है, वो भी सब चल रही है। तो वो सारे काम तो हैं। अच्छा, उनमें से किसी को पता नहीं है कि मैं रोज कितनी मेहनत कर रहा हूं, क्योंकि जो मेरा अपना गोल है, जो मेरा अपना सपना है, वो मैंने एकदम छुपा के रखा हुआ है। कि पहले बात तो क्योंकि ये लोग हंसे ना, मेरे को नीचे ना खींचे, और दूसरी बात कई बार मुझे ऐसा भी लगता है क्योंकि नजर लग जाती है लोगों, तो मैंने उसे बड़ा दबा के छुपा के रखा हुआ है, वो सिर्फ मेरे लिए है जानना। और क्योंकि काम भी सिर्फ मुझे ही करना है, तो मैं काम कर रहा हूं तो मैं किसी को क्यों बताऊं। लेकिन लोगों की जो मेरे से इच्छाएं हैं वो बनी हुई हैं, मेरी जो और जिम्मेदारियां हैं वो बनी हुई हैं, और लगभग रोज मेरी लड़ाई होती है अपने सपने को पूरा करने और इस दुनिया के झंझटों से लड़ने, वो लड़ाई भी रोज चलती है। अब ऐसे में किसी किसी दिन मन बिल्कुल थक जाता है, कितने दिन काम करूं, क्या रोज ऐसे ही चलेगा? और क्योंकि सपना बड़ा है तो काम भी ज्यादा समय तक करना पड़ेगा, लेकिन कब तक, कितने दिन ऐसे ही चलेगा कि मैं दुनिया से लड़के, अपनों से लड़के, और किसी किसी दिन तो अपने आप से लड़के भी काम में लगा। किसी किसी दिन तो ऐसी घुटन सी होती है कि मुझे लगता है शायद मेरे सपने ही मुझे खत्म कर रहे और मैं किसी से कह भी नहीं सकता, क्योंकि अगर मैं किसी से कहूंगा तो लोग कहेंगे हमने तो पहले ही कहा था तुम ये काम नहीं कर सकते, हमें तो पहले से ही पता था ये हो नहीं सकता, तुम्हारी ये जिद थी। तो इस वजह से मैं किसी से कह भी नहीं पा रहा हूं, अब मैं क्या करूं। देखिए, ये जो सिचुएशन है ना, ये जो हालात हैं, अगर आप ऐसा महसूस कर रहे हैं तो आप अकेले नहीं। जो भी बड़े सपने लेके निकलता है ना, जो भी कुछ बड़ा करने निकलता है, और स्पेशली तब जब आपके परिवार, आपके दोस्त, आपके समाज को आप पे विश्वास नहीं होता,
तो उसे अकेले चलना ही पड़ता। लेकिन एक और बात समझने की, थकना और हार मानना ये दो ना अलग चीज है। अगर आप काम कर रहे हो तो थकना स्वाभाविक है, मन का कमजोर पड़ना स्वाभाविक है, और अगर इच्छा करे या जरूरत पड़े किसी किसी दिन रुकने की, तो रुकने में भी कोई बुराई नहीं है। देखिए, रेस्ट करना और गिव अप करना, बीच में एक आध दिन का आराम करना और हार मानना, ये दो बड़ी अलग बातें हैं। और अगर आपके दिल को पता है कि आप हार नहीं मान रहे, आप बस बीच में रुक के अपनी शक्ति इकट्ठी कर रहे हो, आप अपना करेज, अपनी स्ट्रेंथ इकट्ठी कर रहे हो, तो इसमें कोई बुराई नहीं। हम कोई मशीन नहीं है, हम ह्यूमन बीइंग्स हैं। थकना, दिल का कमजोर पड़ना, ये बड़ी मामूली बात है और इसमें परेशान होने वाली कोई बात नहीं। और ऐसा भी नहीं है कि दुनिया में कोई भी नहीं है जो आपके इस घुटन को ना समझे। अगर आप अपने जीवन में ध्यान से देखोगे, आपको कुछ ना कुछ लोग ऐसे जरूर मिल जाएंगे जो ये समझते हैं कि सपनों का बोझ कितना बड़ा होता है और किस तरह से सपने पूरे करने में इंसान की पूरी ताकत लग जाती है। तो ऐसे लोगों के सामने अगर आप ये बात रखते हो कि आज मेरा मन नहीं है, इसमें कोई बुराई नहीं। अगर वो वास्तव में आपके दोस्त हैं, अगर वो एक्चुअली आपके वेल विशर्स हैं, आपका भला चाहते हैं, वो ये बात समझेंगे और आपका साथ भी देंगे, आपकी हिम्मत भी बढ़ाएंगे। जस्ट बिकॉज आपने कोई सपना अकेले देखा है या उस सपने से केवल आपके जीवन पे फर्क पड़ रहा है, ये मत सोचना कि आप अकेले हो। और अगर कोई ना भी मिले आपको ऐसा, अगर आप किसी से ना भी बोल पाओगे बात कि आपके सपने किसी किसी दिन आपको घुटन जैसी फीलिंग देते हैं, तो भी कोई बात नहीं। कम से कम अपने आप को लेके परेशान मत हो, कम से कम ये सोच के मत घबराओ कि कहीं मैं हार तो नहीं मान रहा। हर जने को कभी ना कभी ऐसा लगता है कि मुझे ब्रेक चाहिए, लेकिन अगर वो ब्रेक केवल शेड्यूल से है तो उसमें कोई परेशानी नहीं है। अगर वो ब्रेक सपनों से नहीं है, अगर वो ब्रेक केवल शेड्यूल से है, अगर किसी किसी दिन जीवन में और जो चल रहा है वो बहुत ज्यादा हो जाए और काम करने का मन ना करे, किसी दिन अगर आराम करने का मन करे, तो अपने आप में इस थॉट में कोई बुराई नहीं है। देखिए, जो लड़ाई लंबी है ना, उसे जल्दी निपटाने की अगर आप कोशिश करोगे तो आप समय से पहले लड़ाई से बाहर हो जाओगे। जहां तक आपको पहुंचना है वहां तक आप नहीं पहुंच पाओगे। तो थकने में, बीच बीच में रुकने में कोई बुराई नहीं है, या किसी को कहने में कि आज मुझे डाउट हो रहा है अपने सपने में, इसमें भी कोई बुराई नहीं है, प्रोवाइडेड वो लोग ऐसे हों जो आपका भला चाहते हों और जो आपके सपनों में विश्वास हो। तो ऐसे कुछ लोग अपने जीवन में ढूंढिए और उन्हें करीब रखिए, जिनको आप बिना शर्म के, बिना झिझक के ये बोल सकें कि आज मैं अपने ही सपनों से थक गया हूं, मैं हार नहीं मान रहा हूं, बस आज मैं एक ब्रेक चाह रहा हूं। और आप देखेंगे आपको हिम्मत मिलती रहेगी। और अगर आपको ये लगे कि किसी दिन कभी किसी मुकाम पे पहुंच के ये फीलिंग आनी बंद हो जाएगी, तो देखिए ये फीलिंग कभी खत्म नहीं होगी। जब भी आप कोई काम करेंगे, बीच बीच में थकान की फीलिंग आएगी। ये एक बीमारी नहीं है, ये एक स्टेट ऑफ एग्जिस्टेंस है।
जैसे आपकी पूरी जवानी के बाद बुढ़ापा आता है, बुढ़ापा कोई बीमारी नहीं है जो किसी दवाई से या किसी इलाज से खत्म हो जाएगा, जो बुढ़ापा है वो रहेगा। अब आपको उस बुढ़ापे को हैंडल करना सीखना है। अगर आपके सपने हैं तो सपनों का बोझ रहेगा और उस बोझ की थकान भी बीच बीच में होगी, ये जरूर आपके हाथ में है, आप उस बोझ को हैंडल कैसे कर रहे हैं। अगर आपको लगता है कि आप बिल्कुल अकेले हो, और अगर आप किसी से ये कहोगे कि आज मेरे को अपने सपने बोझ लग रहे हैं, तो वो आपका मजाक बनाएंगे या इससे आपके सपनों को पूरा करने में अड़चन आ जाएगी, तो आप बहुत अकेला महसूस करोगे, आपको बड़ी चिड़चिड़ाहट भी होगी, घबराहट भी होगी। लेकिन अगर आप ये समझ लोगे कि दुनिया में कुछ लोग ऐसे हैं जो आपको समझ सकते हैं, आपके मन को समझ सकते हैं, और ये भी समझते हैं कि बीच बीच में थकान होना स्वाभाविक है, तो आपकी हिम्मत कभी नहीं होगी।